Hello friends, good morning. Today's topic drawing है ना, बहुत फन आता है इस सब्जेक्ट में, आपको बहुत ही मजा आता है ना। हाँ, तो ड्राइंग सब्जेक्ट लेने वाले हैं हम आज, और ड्राइंग सब्जेक्ट में हमारा टॉपिक कौन सा है, अम्ब्रेला। हम कब यूज करते हैं अम्ब्रेला? रेनी सीजन में है ना, जो मानसून सीजन रहता तब हम इस अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं। देखो, अम्ब्रेला पर एक पोएम भी है ना, बारिश आई छम छम छम। चलो हमें पोएम बोलना है। बारिश आई छम छम छम, लेके छाता निकले हम, पैर फिसल के गिर गए हम, ऊपर छाता नीचे हम। अगेन, बारिश आई छम छम छम, लेके छाता निकले हम, पैर फिसल के गिर गए हम, ऊपर छाता नीचे हम। तो ये हो गई हमारी पोयम। अभी हम यहाँ पे ड्राइंग करेंगे। अम्ब्रेला कैसे निकालना है ये मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, आपकी जो ब्लैंक वाली ड्राइंग बुक है वो ओपन करना है, और कलर बॉक्स और पेंसिल इरेजर साथ में रखना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अम्ब्रेला देखो, अम्ब्रेला किस तरह से निकालना है आपको। एक हाफ सर्कल निकालना है, बीक थोड़ा सा बड़ा निकालना है इस तरह से। देखो, इस तरह से हमें इसे हाफ सर्कल निकालना है। देन बाद हमें क्या करना है, इसके बाद में देखो इसमें और ऐसे हाफ हाफ सर्कल निकालना है। कितने निकल रहे? 1 2 3 4 5। देखो ये 1 इजी है, सबको निकालनी आती। ये 1 निकला है, यहाँ से 1 निकालो। 1 1 1 2 हो गए, और अभी हमें यहाँ पे 3 निकालना है, यानी 5 निकालना है ना। 1 और ये और 1, 4 हो गए, और ये बचा है, इसे हम अभी यहाँ पे ज्वाइन करेंगे ये इस तरह से। देखो हमने क्या किया है, एक हाफ सर्कल निकाला है, उसके बाद ये हाफ सर्कल, ये लाइन और ये लाइन को हमने और छोटे छोटे हाफ सर्कल निकाले हैं और इसे ज्वाइन किया है। अभी देखो ये सेंटर में, यहाँ से हमें यहाँ तक ऐसे लाइन निकालना है, यहाँ पे भी ये कर्व लाइन जैसे हमें लाइन निकालना है, इस तरह से निकालना है। इस तरह से ओके। देन हमें क्या करना है, यहाँ से स्टैंडिंग लाइन निकालनी है, 2 लाइन निकालनी स्टैंडिंग लाइन, फिर यहाँ पे छोटा सा स्केयर निकालना है इस तरह से। देन यहाँ पे कर्व लाइन, अगेन 1 कर्व लाइन, और ऊपर में भी ट्रायंगल जैसे निकालना है हमें इसे। ये हो गई हमारी अम्ब्रेला। अभी हम इसे कलर करेंगे। आपको जो भी अच्छे लगते हैं कलर, हम अलग अलग तरीके से इसे कलर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ऑरेंज कलर कर रही मैं, आपको भी करना है, जो भी आपको पसंद आए वो कलर आप ले सकते हैं। ये है ऑरेंज कलर, कलरफुल अम्ब्रेला मिलती है ना अभी, है ना, अच्छे अच्छे कलरफुल, बहुत ही अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल अम्ब्रेला रहती है, बड़ी रहती है, छोटी रहती है, बड़ी रहती है ना। इस तरह से हमें ये कलर करना है। कौन सा कलर है ये? ऑरेंज कलर। यहाँ पे ऑरेंज किया, हम ये इस साइड में भी ऑरेंज कलर करेंगे। तो स्पेलिंग ऑरेंज, ORANGE ऑरेंज। ऑरेंज का स्पेलिंग क्या है? ORANGE ऑरेंज। ORANGE
ANGE, orange. Then yellow color. यहाँ पे हम येलो कलर कर रहे हैं, कलर येलो कलर से कलर कर रहे हैं. से स्पेलिंग येलो, वाई ई डबल एल ओ डब्लू. क्या स्पेलिंग है येलो का, हमें राइट करना है. Y E double L O W, yellow. Then blue color. देखो कलर भरते समय हमें ध्यान रखना है कि एक कलर दूसरे कलर में न जाए, है ना. ये ब्लू कलर के पास कौन सा कलर है, येलो कलर है, लेकिन येलो कलर में जाना है, जाना देने चाहिए क्या हमें ये कलर, नहीं वो जाना ही नहीं चाहिए. येलो कलर में ब्लू कलर मिक्स हो जाएगा तो फिर वो डर्टी दिखेगा, है ना. इसलिए अच्छे से और केयरली हमें कलर करना है. ब्लू से स्पेलिंग ब्लू, बी एल यू ई, बी एल यू ई ब्लू. यहाँ पे येलो कलर करना है, ब्लू कलर, देन ऑरेंज कलर. यहाँ पे ब्लू कलर करना है हमें. अभी हम क्या करेंगे, इसे आउटलाइन देंगे व्हाइट कलर से, आपको ब्लैक कलर से देना है. ओके, और देखो स्पेलिंग आपको लर्न करना है. कौन सा पिक्चर है ये, अम्ब्रेला, इसे हिंदी में छाता बोलते हैं और इसे अम्ब्रेला भी बोलते हैं ना. से स्पेलिंग अम्ब्रेला, आपको अम्ब्रेला का स्पेलिंग भी लर्न करना है. हम अम्ब्रेला का पिक्चर निकाले हैं, हम पिक्चर निकाल रहे हैं, उसे कलर कर रहे हैं, तो वो स्पेलिंग भी हमें लर्न होना चाहिए. हम अभी पढ़ते हैं स्पेलिंग. ओके, यू एम बी आर ई डबल एल ए अम्ब्रेला. से स्पेलिंग अम्ब्रेला, यू एम बी आर ई डबल एल ए अम्ब्रेला. और हमने इसे कलर कौन से भरे हैं, ऑरेंज, ओ आर ई एन जी ऑरेंज. देन येलो, वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू येलो. से स्पेलिंग येलो, वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू येल्लो. देन ब्लू, बी एल यू ई ब्लू, बी एल यू ई ब्लू. देखो आज हम थ्री कलर के स्पेलिंग भी लर्न हो गए हमारे, और हमने अम्ब्रेला का भी स्पेलिंग लर्न किया और पिक्चर भी निकाला है. ओके, देखो आपको क्या करना है, ये पिक्चर आपकी ब्लैंक वाली ड्राइंग बुक में ड्रॉ करना है और कलर करना है. फिर मिलेंगे नेक्स्ट पिक्चर के साथ. थैंक